सोनिया जी कितनी देर लगेगी, कितनी देर में मेरा आटा पिसकर तैयार होगा? मैं हमेशा आपकी चक्की पर ही अपना गेहूं और बाजरा लेकर आता हूं, जिससे आप आटा बनाकर देती हैं। लेकिन सोनिया जी आपने 1 किलो बाजरे का आटा बनाने के लिए रेट बहुत ज्यादा कर रखे हैं, रेट तो कम कर लो। अरे मोदी जी ये कौन से खेत का बाजरा है, इतना टाइट बाजरा है कि चक्की चलाते चलाते हाथ थक गए लेकिन आटा पिसने में नहीं आ रहा है। राहुल बैठे बैठे ऐसी चक्की को देखता रहेगा, चक्की को चलवा दे, हाथ लगवा दे थोड़ा सा, चक्की को चलाने में बहुत मेहनत लग रही है। मोदी जी पता नहीं कहाँ का बाजरा लाए, ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर लाए, ये बाजरा पिसने में ही नहीं आ रहा है। मम्मी जी एक बात बताओ, आप मोदी जी का बाजरा ले ही क्यों लेती हो पीसने के लिए? इनका बाजरा तो इतना ही टाइट होता है, हाथ थका देता है चक्की चलाते चलाते, और ये पिसता नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं पत्थर की गोली लाते हो आप या बाजरा लाते हो। राहुल सोनिया जी एक बात बताओ, चक्की चलाने में मेहनत करना नहीं चाहते हो और मेरे बाजरे को दोष दे रहे हो। अरे ये बताओ, ये बाजरा बीजी तो है, कोई पत्थर की गोलियां थोड़ी है जो तुम्हारी चक्की में पिस नहीं पा रही है। और तुम लोग तो ऐसे एहसान दिखा रहे हो जैसे मैं फ्री में गेहूं या बाजरे का आटा पिसवाने के लिए आता हूँ। आप पूरे 5 रुपए किलो लेती हो आटा पीसने के। वैसे सोनिया जी एक बात बताना, आप और मायावती जी मिलकर चक्की चलाती हैं, दिन भर में जो पैसे आते हैं कमाई होती है उसको बराबर बराबर पैसे बांटती हो आप दोनों लोग? नहीं मोदी जी, ये चक्की सोनिया जी की है, मैं तो सिर्फ चलवाने के लिए आती हूँ और मैं दिन भर की दिहाड़ी लेती हूँ 200 रुपए। ये दिन भर में इस चक्की से कम 500 रुपए का आटा पीस देती है, इसमें से 200 रुपए मुझे दे देती है, 300 रुपए इन्हें बच जाते हैं। अरे वो बातें तो छोड़ो मायावती जी, सोनिया जी एक बात बताओ, ये मोदी जी का बाजरे का आटा कितनी देर में पिसकर तैयार होगा? उसके बाद मेरे गेहूं का आटा भी बनाना है आपको। 2 घंटे से बैठा पड़ा हूँ मैं आपकी घाट पर। बस अखिलेश थोड़ी देर रुक जाओ, मोदी जी का बाजरा पिस चुका, थोड़ा सा इनका बाजरा टाइट था इसीलिए पिसने में देर लग गई। तुम तो 2 किलो गेहूं लाए हो, 2 किलो गेहूं को तो मैं जरा सी देर में पीस दूंगी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।